प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से पर्यटन कारोबार को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। प्रदेश में मौसम में सुधार के बाद हालांकि जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन पर्यटन कारोबार अभी भी बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में राज्य में पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए खासकर पर्यटन उद्योग द्वारा अपने स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी का नतीजा है कि राज्य में होटलों की ऑक्यूपेंसी 35% तक पहुंच गई है। हालांकि प्रदेश घूमने आ रहे पर्यटक अभी भी डरे हुए हैं। पड़ोसी राज्यों से शिमला घूमने पहुंचे पर्यटकों ने इस दौरान डीडी न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई है और क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य के रूप में जाना जाता है, पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि धीरे धीरे अब पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौटने लगा है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो घूमने पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थिति है, क्या उन्होंने अनुभव किया शिमला में आके। जी आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं उड़ना सिसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो मैं मतलब अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा था रात को, तो कुछ रास्तों में मेरे को थोड़ी थोड़ी परेशानी आई क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ा डिवर्जन का काम चल रहा था, तो कुछ रास्ते ब्लॉकेज अभी तक पड़े हैं बट उनका काम चल रहा है। वैसे भी कोई सी मतलब डरने वाली बात नहीं है, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आपसे भी जानना चाहेंगे कहाँ से आप आए हैं, कि आपका नाम है और कैसा फील कर रहे हैं अब शिमला में? सर मेरा नाम विराट है और मैं बठिंडा से हूँ। बढ़िया, ठीक है, इधर बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने में ठीक है और रास्ते भी बढ़िया है, टाइम से बंदा पहुंच जाता है। और पहले रास्ते ब्लॉक थे तो आने जाने में दिक्कत थी, अब तो बहुत अच्छा रास्ता है। आपसे भी जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है? मेरा नाम कृष्ण है, मैं आया हूँ चोरमार से, सिरसा चोरमार से। बहुत अच्छा लगा जी, घूमने के लिए बहुत जगह है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, कोई डर नहीं है। मैं भी सभी को बोलता हूँ कि आओ और घूमो, यहाँ पे बढ़िया मौसम है, टाइम है घूमने का। तो ये जिस तरह से आपने सुना पंजाब और हरियाणा से पर्यटक पहुंचे हैं, स्थितियां अब जो है असामान्य होती हुई नजर आ रही हैं और पर्यटक भी रुक कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। हालांकि पहले स्थिति जरूर डरावनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो रही है, सड़कें खुल रही हैं, तो पर्यटक दोबारा से रुख राजधानी शिमला का कर रहे हैं। शिमला से डीडी न्यूज के लिए योगराज शर्मा।